भारत सरकार कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो भगवान राम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज के देश, आज देश में 2024 जनवरी में। और पता चलता है कि ये भगवान राम का जो ऑफिशियल कहानी है वो कहीं रिलीज नहीं हुआ है। भारत सरकार ने भगवान राम का ऑफिशियल कहानी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज नहीं किया है। हम जानते नहीं है भगवान राम 5 फुट 6 इंच के इंसान थे या 6 फुट 5 इंच के इंसान थे। हम जानते नहीं है कि भगवान राम 5000 साल पहले जन्मे थे या 3000 साल पहले जन्मे थे या 10000 साल पहले। हम जानते नहीं है कुछ भी, हम कोई वाइटल स्टैटिस्टिक्स जानते नहीं है। राम का ओरिजिनल हिस्ट्री क्या है, बताया जा रहा है कि भगवान राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिटेल जो है कि ऑफिशियल कौन सा रामायण है, देखिए वाल्मीकि वाला वर्जन है और एक साउथ में खंबम रामायण है। खंबम रामायण और वाल्मीकि रामायण में काफी फर्क है, वो सेम नहीं है और काफी, यानी आपको एक पर्सपेक्टिव पूरा अलग ही मिलता है खंबम रामायण से, तमिलियंस का है और या मैं कहूं साउथ साइड का है, एक अलग, आपको ऐसे लगेगा कि एक अलग सिविलाइजेशन ही है। तो वो उन्होंने रिलीज नहीं किया है कि कौन सा ऑफिशियल वर्जन है, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ये बता दिया है कि राम इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप भूखे रह सकते हो, नंगे सो सकते हो, आप कुछ भी करोगे, लेकिन वोट करना है तो मोर और लेस मैं कहता हूं राम के मुद्दे पे वोट करना है। यानी सरकार चुनोगे तो राम के हिसाब से चुनोगे, ये आपको और मुझे बताया जा रहा है। और इतने शब्दों में नहीं बताया जा रहा है, इतना क्लियरली इस तरह से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आप हर जगह से देखोगे, यानी प्रधानमंत्री किसी भाषण में ऐसे नहीं कह रहे हैं कि भाई क्या आप श्री राम के नाम से वोट दोगे, क्या वो उस अंदाज में नहीं कह रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा है, लेकिन ओवरऑल मैसेजिंग क्या है कि यार ये रामायण ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी और राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी राम क्या है, कौन है, कैसा है, क्या किया था, क्या उसने सीता को त्याग दिया था, क्या उसने सीता को अग्नि परीक्षा में से चलाया था, अग्नि परीक्षा मतलब क्या, क्या उसको किसी हवन कुंड के अंदर कूदने को कहा था या वो कोयले पे चल के गई थी, कोई डिटेल्स नहीं है, कोई भी डिटेल्स नहीं है। भगवान राम ने सीता को प्रेग्नेंट पाकर लक्ष्मण से कह दिया था कि भाई तुम जाओ उन्हें जंगल में छोड़ के आओ, और फिर कई साल बाद, आई थिंक 14-15-20 साल बाद, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने कहा कि भाई मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, और अश्वमेध यज्ञ किया, और जिस सीता को उन्होंने जंगल में छुड़वाया था, छोड़ा भी नहीं था, छुड़वाया था, फिर अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ करने के समय सीता माता के 2 बेटे, अभी वो किसके बेटे थे, राम के थे, रावण के थे, वो नो डीएनए टेस्टिंग, लेकिन 2 बेटे बड़े वीर थे और अश्वमेध यज्ञ किया तो वो 2 बेटे मिले, उन्होंने राम के घोड़े को रोका और उन्होंने लड़ाई कर ली, हनुमान के साथ लड़ाई कर ली और ये सब है ना, हनुमान को चित कर दिया और पता चला कि ये श्री राम के बेटे हैं, और फिर उन्हें वापस लाया गया क्योंकि राज्य को चलाने के लिए बेटों का जरूरी था, पुत्र होना जरूरी था, तो 2 बेटे आ गए, लेकिन सीता माता नहीं, सीता माता को नहीं लाया गया, और सीता माता को
जमीन निगल गया, धरती खा गई, मोर और लेस, यानी वो धरती में समावेश हो गई। अब भारत में ना बहुत सारी चीजें धरती में समावेश हो जाती हैं, और यहां से मेरा मुझे लग रहा है कि हम एक अनरियल जोन, एक ट्वाइलाइट जोन या एक अजीब जोन में जी रहे हैं, मैट्रिक्स में जी रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, यानी एक तो ये ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियली आप और मैं कौन है? तो ऑफिशियली आप और मैं तो इन एनी केस शायद भारत का भी नागरिक नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। मैं किधर का नागरिक हूं वो मुझे बताया नहीं गया, लेकिन डाउट रेज कर दिया है ये सीए एनआरसी लाके कि मैं शायद अभी रह रहा हूं, एनआरसी हुआ नहीं है, लेकिन जब एनआरसी होगा तो पता चलेगा कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। और हो सकता है, क्योंकि मैं अगर पेपर नहीं दिखाऊंगा, जो पेपर कहते हैं ना वो पेपर दिखाओ, जो भी पेपर है, अब वो जो पेपर चाहते हैं मुझसे, मान के चलिए कि मेरे पास वो पेपर्स नहीं है, मेरी मां कहां की थी, मेरे पिता कहां के थे, पेपर्स अगर नहीं है तो वो कहेंगे शायद तुम्हारे पिता बांग्लादेश की थी और शायद तुम्हारी मां पाकिस्तान की थी, हो सकता है। और अगर उन्होंने ऐसे कह दिया तो मुझे भेज दिया जाएगा डिटेंशन कैंप में, यानी मैं जो 2024 में वोट डालने वाला हूं, मेरे वोट से सरकार चुना जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मैं नागरिक नहीं हूं। और सरकार तय करेगा, वो सरकार जिनको हम चुनेंगे कलेक्टिवली, मैं तो बीजेपी को वोट डालने वाला नहीं हूं, ये तो तय है, जो सरकार हम चुनेंगे वो सरकार ये कहेगी, ये कहेगा कि तुम नागरिक हो ही नहीं, इसलिए तुम जाओ डिटेंशन कैंप में। डिटेंशन कैंप क्या है? एक जेल है जहां पर अगर आपका नागरिकता डाउटफुल है आपको भेज दिया जाएगा डिटेंशन कैंप। तो चलो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, तो मैं कहां का नागरिक हूं पता नहीं, लेकिन भारत के तो नहीं हूं।